भ्रष्टाचार, पुलिस वाले भी खुद वहाँ से आ रही है गड्डी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सरकार यूँ कहती रहती है कि जैसे कि जो हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, गड्डियों से कर रहा है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे दो भाई जेल में डरे हैं, कोई जवान तो नहीं हो रही है, वकील लगा देता है। अच्छे काम करते थे। कोई सबसे जो अच्छी सरकार है वो कौन सी है? सबसे अच्छी जो सरकार बीएसपी की मायावती वाली। कैसे मायावती की सरकार? बढ़िया आदमी, उसमें सभी कम खर्चा था। कुछ लोग तो कहते हैं वो दलितों के लिए काम करती है, आपको क्या लगता है वो दलितों के लिए? और 2022 में चुनाव आ रहा, कौन सी सरकार चाह रहे हो तुम? मायावती की बहन जी। तुम्हें क्या लग रहा है आएगी सरकार? आएगी पक्का। सरकार जल्दी से जल्दी आनी चाहिए, 2022 में चुनाव है। हाँ, 2022 में चुनाव होना चाहिए। क्या नाम है आपको? मंगीलाल। मंगीलाल, काम क्या करते हो? मजदूरी करो। और पहले क्या करते थे? पहले तो करते यहाँ, पहले क्या करते थे? पहले तो सिलाई काम करे, सिलाई को काम करे पहले। हाँ। कब तक किया सिलाई का काम वैसे आपने? करो चार पाँच साल किया। हाँ। और उससे पहले भी कोई कार्य किया था? उससे पहले का काम करो बिल गधा पानी बिलदारी करी और काम करो। चलो चलो, कोई बात नहीं। और इस समय जो सरकार है वो कह रही है कि बुजुर्ग व्यक्तियों को बहुत ही ज्यादा सुविधाएं दी जा रही है, क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? सुविधा मिल रही है आपको? सुविधा कुछ नहीं मिल रही। कहाँ मिल रहा फिर? क्या मिल रहा है आपको? कहते रहे सुविधा खाई की मिल रही है हमें अभी। 2000 रुपये महीने वो किस्त आती है जो किसान सम्मान निधि, जो किस्त आती है सरकार की वो आती है? नहीं आती आपकी? हाँ आई है, दो तीन किस्त आई हैं। कितने आए? 2000। दो तीन बार। और अब? अभी तो आए ही ना। अभी ना आए। और जो सरकार के जो काम है, जो सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को चला रही है, जो कि उत्तर प्रदेश के वो जो वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसा काम लगता है उनको आपको? काम तो ठीक लग रहा है, कामों का है। क्या ठीक लग रहा है? हाँ ठीक बताओ ना, क्या काम ठीक लग रहा है बताओ। जो जा नई सरकार है? हाँ हाँ, नई जो वर्तमान में है, जो इस समय चल रही है, चल रही है उसके बारे में बताओ। अरे बाको तो काम हो गया, ऐसे ही चल लो, गलत है काम। कैसा गलत काज लग रहा हो तुम्हें? हैं कैसे रे, मान तो सभी मार की रख दे। कैसे मार दे? हां मजदूरी खत्म कर दे। अब भाई तो आप तुम्हारी तो अब कैसे रे, मान तो सब नहीं काम कर दे। अब तो आपकी आय दुगनी हो जाएगी, दो तीन बिल आए किसानों के, जो बिल आए दुगनी आय हो जाएगी। अरे काय से रही है, बिल तमाम भरेगी, बिजली नहीं दे रहे, सब काम कर रहे, काय से वो है। आपको जो किसान आंदोलन कर रहे हैं आप इनका समर्थन करते हो? किसान जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन करते हो? उनके साथ हो? हाँ उनके साथ है। के सरकार के साथ हो या किसानन के? किसानन के संघ हो? जाम बोलो ना। अच्छा, और ये बताओ कि सबसे अच्छी जो सरकार वो कौन सी लगी आपको? सबसे अच्छी? हाँ मायावती की लगी। और कौन सी लगी? मायावती की सरकार लगी। कैसे अच्छी लगी मायावती की सरकार? अरे वहाँ में सब सुविधाएं हमें। क्या क्या सुविधा मिली वैसे आपको? चलो कोई बात नहीं, और अन्य जो बुजुर्ग व्यक्ति उनसे जानेंगे। तो क्या नाम है आपका? राम निवास। यहीं रहते हो? जी ग्रसोटी में रहता हूँ। ग्रसोटी में रहते हो? जो वर्तमान की सरकार है क्या क्या सरकार लग रहा है? बहुत गलत चल रही है। कहाँ गलत लग रहा है? सब गलत बता रहे हैं, तो गलत है कहाँ ये तो बताओ। ये भ्रष्टाचार है यहाँ पर कैसे? हाँ बताओ। किसी गरीब आदमी को सता जाता है। और गुंडा पार्टी अपनी एरिया की पैसा से हाथ तक जाम कर देते हैं, रिपोर्ट नहीं देने रहे थाने में। थानेदार पैसा मांगते हैं, इंचार्ज पैसा मांगता है, और कोई रिपोर्ट, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं आ रही कोई? हाँ सादाबाद तहसील सरकार तो कहने की, हमारी जो सरकार आई है उसमें प्रशासन बहुत सख्त है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। मुँह से कुछ पुलिस करती है, मुझे दबाव दे रही है। क्या क्या मामला हुआ था? जो मेरा भाई दो जेल में। हाँ। कोई सुनवाई नहीं है, आज तक जाम कर देता है पैसा वाला गुंडा अपने एरिया क्या के बनाता है उनके साथ? खेती का 30 बीघा खेत है, 70 साल से चल रहा है, 4 जगह बैनाम हो चुके हैं उसके। 4 जगह बैनाम हो गए। हाँ और वो भ्रष्टाचार, पुलिस वाले भी खुद वहाँ से आ रही है गड्डी। नहीं मैं कह रहा हूँ कि सरकार यूँ कहती रहती है कि जैसे कि जो हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, गड्डियों से कर रहा है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे दो भाई जेल में डरे हैं, कोई जवान तो नहीं हो रही है, वकील लगा देता है। और सादवा तहसील ये थाना बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। जो इससे जो पीछे जो सरकार गई है समाजवादी पार्टी को, उसमें क्या लगा था आपको? कैसी सरकार? कोई नहीं लगता था तब, साले ये डरते थे पुलिस वाले, और वो समाजवादी पार्टी सरकार में डरते थे। हाँ। अच्छे काम करते थे। कोई सबसे जो अच्छी सरकार है वो कौन सी है? सबसे अच्छी जो सरकार बीएसपी की मायावती वाली। कैसे मायावती की सरकार? बढ़िया आदमी, उसमें
सभी कम खर्चा था। कुछ लोग तो कहते हैं वो दलितों के लिए काम करती हैं, आपको क्या लगता है वो दलितों के लिए काम? वो सभी के लिए करती है, दलितों के कम क्या करती है, जो उच्च बिरादरी उनके लिए उनके लिए करती है, उनकी सरकार बनाती है मायावती, उन्हीं की सरकार। हाँ, उनको उच्च उच्च पदों पर बैठा दिया है। हाँ, अच्छे से पदों पर बैठा दिया है। हाँ, और वो कोई सुनवाई नहीं करते। फिर आरोप क्यों लगाए जाते हैं कि मूर्तियों पर पैसा खर्च कर दिया, ऊंची जो दलितों के साथ अच्छा किया है हमारे साथ नहीं। मूर्तियों को खुद तोड़ते हैं। कौन तोड़ता है? जो जाति लोग तोड़ते हैं उन्हीं की सरकार, और वही आदमी कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं रही आपको? सुनवाई कौन सी सरकार में भाई? मायावती वाली में, मायावती की सरकार। हाँ, बहुजन समाज पार्टी में। चलो ठीक है, और बता देना मैं, और चैनल पे कह देना सादवा तहसील थाने में बोल रहा हूँ मैं, कह देना सादवा तहसील से बोल रहे हो? नहीं, थाने के खिलाफ बोल रहा हूँ मैं, सादवाद के। हाँ, इंचार्ज जो पैसा लगे गड्डी लेके। कहाँ नाम है? खुद मेरा रामनिवास नाम है उनका, जो लगा रहे हो आरोप। वो यही इंचार्ज साहब। क्या नाम है? नाम क्या उनका? नाम नहीं याद है, नाम बता दूंगा। नाम याद नहीं है? चलो, नाम नहीं याद नहीं। सादवा जो विधान सादवा क्षेत्र है उनके इंचार्ज के। हाँ, इंचार्ज के। हाँ, खिलाफ लगाए। मेरे भाई से कही के छोड़ दूंगा उस किसी खेत में बन जाना, उस मेरा ही खेत तो, मेरे भाई से धमकी दी। और 2022 में चुनाव आ रहा, कौन सी सरकार चाह रहे हो तुम? मायावती की बहन जी की। तुम्हें क्या लग रहा है आएगी सरकार? आएगी पक्का? पक्का। आप वोट देते हो बीजेपी को? और बीजेपी को? बीजेपी को। अपनी अपनी सरकार को देते हैं मायावती को? बीजेपी कैसे आ जाए? हैं? बीजेपी कैसे आ जाए? वो कैसे आ जाए? ना बीजेपी फिर जीत कैसे जावे तुम? वो जीते तो अपनी मशीन द्वारा, सब पब्लिक है माल में, दुनिया माल में, मशीन द्वारा जा कैसे मशीन में। हमारे यहाँ तो BSP से बुझाते हैं, अपने गांव की तो हम बात कर रहे हैं जी, गांव की BSP पे जामे नहीं, जामे नहीं, यहाँ से सीट जीत के जाते हमारे यहाँ। जीत के अब की बार जीती? अब की जीती है। अच्छा। पर वोट कट जाते हैं, यही तो बात है, सब बता रहे हैं लोग, सब संसार में मालूम है कि मशीन द्वारा कहते वोट तो फुल पड़ता है अपना। अच्छा, वोट फुल पड़े। हाँ, चलो ठीक है। भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है अफसरों का। कब खत्म होगा जी? खत्म होगा जी, सरकार जाएगी तब होगा। सरकार जाएगी वैसे जी? जाएगी। किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके, सिर्फ मायावती सरकार आएगी। इधर आओ। और खुद भी पुलिस भी अब भ्रष्टाचार में रहती है। पुलिस भी भ्रष्टाचार में रहती है। अभी जो ये जो व्यक्ति हैं ये भी बोले तो क्या कह रहे थे अभी? क्या नाम है? नाम क्या है? मेरा नाम है गणेशी लाल। काम क्या करते हो? काम गाड़ी चलाता हूँ, डिलीवरी। अच्छा, कब सर ये जो आप क्या क्या कहना चाहोगे सरकार के बारे में? ये सरकार में काम कुछ नहीं है, सब गरीब जनता मारी जा रही है। कैसे मारी जा रही है? मैं गरीब के संग चीज के लिए काम कुछ है नहीं है। क्या है, फैक्ट्री बंद कर दें सब चीज। भाजपा सरकार को तो लगातार ये कह रही है कि जो अच्छा काम हो रहा है वो पैसे वाले ने का अच्छा काम हो रहा है, गरीब वाले ने कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, गरीबन को कोई काम नहीं रहो। कौन सी सरकार में काम होता फिर गरीबन? वो मायावती की सरकार में जो जितना किसान मजदूर और जो गुंडा पार्टी हट गई वो बिल्कुल खत्म हो चुकी। कब ला रहे हो फिर मायावती की सरकार है? मायावती की सरकार जल्दी से जल्दी आनी चाहिए। 2022 में चुनाव है? हाँ, 2022 में चुनाव होना चाहिए। आनी चाहिए, आवेगी, चाहिए, आवेगी, आएंगी, पूरी करिए, आवेगी। और ये तो तुम लोग जाना मशीन सही करवाओ, वाय करवाओ, कैसे मशीन सही करवा दें? ये तो तुम्हारी पावर है ना। पावर हमारी का है, हम तो वोट देते हैं, हम तो वोट देते हैं, ये तो बताते हैं, सभी लोग बता रहे हैं, भारत बता रहा है कि ये मशीनों में कमी है। चलो, आप देख रहे थे BMission TV YouTube चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में इन जो व्यक्तियों ने अपनी राय रखी है उस पर आप अपनी राय दें। मैं विशाल कुमार फिर मिलता हूँ बड़ी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत।